सीसीटीवी वीडियो चे तुसी देख सकते हो कि नकाबपोश एक चोर गुरद्वारे चे दरवाजे दे राही अंदर दाखल हुंदा है। अंदर दाखल हुंदे ही ओ दान पात्र दा मुआयना करदा है, फिर इधर उधर घूमन तो बाद मत्था टेकदा है। फिर वो अपने साथियों दे नाल राय मशवरा करन दे लई बाहर निकलदा है। थोड़ी ही देर चे अपने साथियों नू अंदर लेके आउंदा है। बाहर उसनू कोई देख ना लवे तां ओ खिड़की दे परदे ला दिंदा है। फिर हथौड़ा दान पात्र दे कोल रखदा है। दोवें चोर दान पात्र दे आले दुआले चक्कर लाउंदे, फिर वह सीसीटीवी नूं पुट्ठा कर दिंदे ने। दान बॉक्स च करीब 7 लाख रुपए रखे हुए सी। चोरां ने दान पात्र दा ताला खोलण की कोशिश की, पर तद तक सेवादार की नींद खुल गई ते सेवादार दे पहुंचते ही नकाबपोश चोर उत्थों भज गए। ਜਿਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਰਾੜ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬੇ ਗਾਮ ਚੁੱਕ ਜੀ ਨੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬੱਲੜਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਬਾ ਗਮ ਚੁੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, जिथे 3 नकाबपोश चोरों की कोशिश नाकाम हुई है। 2 चोर अंदर दाखिल हुए तो 3 बाहर निगरानी रख रहा है। गुरुद्वारे चे चोरी की घटना की सूचना सेवादार ने पुलिस को दी, जिस तो बाद SHO सुखजिंदर सिंह ने मौके पर पहुंच के मामले की जांच की है। सानू सुबह अर्ली मॉर्निंग सूचना मिली थी कि गुरुद्वारा गमचुक बलड़वाल कुछ शरारती अंसर ने चोरी की है, तो मौके पर तहसीलदार साहब भी आए हैं, तो कोशिश की गई है किसी किस्म का कैश चोरी नहीं होया। असी छेती इन्हां उन्हां लोकां दा जिहड़ा पर्दाफाश करन तहकीकात चल रही। गुरुद्वारियां च चोरी दीयां घटनावां लगातार हो रही ने। पुलिस मामले की जांच भी कर रही है, पर पुलिस की कोशिशों के बावजूद भी चोरी की घटनावां रुकण दा नाम नहीं लै रही। अजिहे च गुरुद्वारियां की सुरक्षा होर भी सख्त करन की जरूरत है। अमृतसर तो अमित शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज 18 पंजाब। सीसीटीवी वीडियो चे तुसी देख सकते हो कि नकाबपोश एक चोर गुरुद्वारे चे दरवाजे दे राही अंदर दाखल हुंदा है। अंदर दाखल हुंदे ही ओ दान पात्र दा मुआयना करदा है, फिर इधर उधर घूमन तो बाद मत्था टेकदा है। फिर वो अपने साथियों दे नाल राय मशवरा करन दे लई बाहर निकलदा है। थोड़ी ही देर चे अपने साथियों नू अंदर लेके आउंदा है। बाहर उसनू कोई देख ना लवे तां ओ खिड़की दे परदे ला दिंदा है। तो फिर हथौड़ा दान पात्र दे कोल रखदा है। दोवें चोर दान पात्र दे आले दुआले चक्कर लाउंदे, फिर वह सीसीटीवी नूं पुट्ठा कर दिंदे ने। दान बॉक्स च करीब 7 लाख रुपए रखे हुए सी। चोरां ने दान पात्र दा ताला खोलण की कोशिश की, पर तद तक सेवादार की नींद खुल गई ते सेवादार दे पहुंचते ही नकाबपोश चोर उत्थों भज गए। ਜਿਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਰਾੜ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬੇ ਗਾਮ ਚੁੱਕ ਜੀ ਨੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬੱਲੜਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਬਾ ਗਮ ਚੁੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, जिथे 3 नकाबपोश चोरों की कोशिश नाकाम हुई है। 2 चोर अंदर दाखिल हुए तो 3 बाहर निगरानी रख रहा है। गुरुद्वारे चे चोरी की घटना की सूचना सेवादार ने पुलिस को दी, जिस तो बाद SHO सुखजिंदर सिंह ने मौके पर पहुंच के मामले की जांच की है। सानू सुबह अर्ली मॉर्निंग सूचना मिली थी कि गुरुद्वारा गमचुक बलड़वाल कुछ शरारती अंसर ने चोरी की है, तो मौके पर तहसीलदार साहब भी आए हैं, तो कोशिश की गई है किसी किस्म का कैश चोरी नहीं होया। असी छेती इन्हां उन्हां लोकां दा जिहड़ा पर्दाफाश करन तहकीकात चल रही। गुरुद्वारियां च चोरी दीयां घटनावां लगातार हो रही ने। पुलिस मामले की जांच भी कर रही है, पर पुलिस की कोशिशों के बावजूद भी चोरी की घटनावां रुकण दा नाम नहीं लै रही। अजिहे च गुरुद्वारियां की सुरक्षा होर भी सख्त करन की जरूरत है। अमृतसर तो अमित शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज 18 पंजाब।